स्टूडेंट्स का स्वागत है। कक्षा दसवीं का सामाजिक विज्ञान इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं दोस्तों। इस मॉडल पेपर से करीब करीब जो है 40 से 50 नंबर तक के अंक के जो है आ रहे हैं, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नवबोध और प्रबोध दोनों मॉडल पेपर में से पहला और दूसरा सेट से सबसे ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसमें से भी आपको पढ़ाई कर लेना है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। इसको आइए देखते हैं। सामाजिक विज्ञान का है दोस्तों, कल इसका एग्जामिनेशन है कक्षा दसवीं का। सही विकल्प का चुनाव कीजिए, निर्जीव भौतिक संसाधन नहीं है। तो निर्जीव भौतिक संसाधन कौन सा नहीं है, इसका द आएगा मछली, ठीक है। भारत सरकार का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो भारतीय रिजर्व बैंक आंसर आएगा इसका। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वक्ष पार्टी का नेतृत्व किसने किया था, तो तीसरा का बा है हिटलर ने। वियतनाम के क्रांतिकारी नेता और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, हो ची मिन। लोकतंत्र में जनसहभागिता का सर्वाधिक अनिवार्य माध्यम क्या है। इसके बाद देखते हैं खालिस्तान, इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसको शॉर्ट में बनाना है वीडियो को। ये सारे क्वेश्चन आंसर को आपको पढ़ लेने, देखिए नीचे में आंसर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए सही विकल्प सही जोड़ी है, दुर्ग जिला में संयुक्त राज्य अमेरिका सिद्ध युद्ध की समाप्ति विकास का सूचक कमेटी ऑफ 100 है ना, इसको नोट कर लीजिए। बाद में आप इसको कॉपी में नोट करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है, आज बस पढ़ाई करना है। सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ बताइए। मुद्रा किसे कहते हैं, खनिज किसे कहते हैं, आयकर लेने की उचित विधि क्या है। ये सारे क्वेश्चन आंसर दो दो नंबर के हैं, दोनों को सबको नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न सातवां है, जनगणना से कौन कौन से आंकड़े प्राप्त होते हैं। सामाजिक विज्ञान को आपको समझकर लिखना होगा, सारे आंसर को रटने का प्रयास ना करें, समझने का भी प्रयास करें, उसकी स्टोरी को याद रखें, यानी कि उसमें क्या चीज़ के बारे में बताया गया हो थोड़ा सा भी यदि याद है ना, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व की राजनीति में क्या परिवर्तन हुए, तो इसके आंसर है, नोट कर लीजिए दोस्तों। प्रश्न को नोट करना है और आंसर को नोट करना है। परमाणु निशस्त्रीकरण कैसे संभव हुआ, तीन नंबर के सवाल है। तो इसे कई प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं, देखिए मैं आंसर एक बोल देता हूं, आप सुनिएगा ध्यान से। परमाणु निशस्त्रीकरण किस इसलिए संभव हुआ, क्योंकि यूरोप के जो आम जनता है वे जो है परमाणु शस्त्र को बंद कराना चाह रहे थे, है ना। लाखों की तादाद में महिला पुरुष जो है आंदोलन किए, है ना, आंदोलन में भाग लिए और बिना शर्त के परमाणु हथियार को नष्ट करने के लिए कहा गया, है ना। तो यहाँ पर फिर बहुत सारे लोगों ने मिलकर जो है परमाणु जो है समझौता किया और इस प्रकार जो है परमाणु निशस्त्रीकरण संभव हो पाया, ऐसा लिखना है, ठीक है। सूचना के अधिकार से आप क्या लाभ हुआ, चर्चा कीजिए। इसके बाद देखें मिट्टी के नवीनीकरण के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न अथवा में महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, अपने विचार लिखिए। प्रश्न 12 है, प्रथम विश्व युद्ध का जनसामान्य पर क्या प्रभाव पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद और अति राष्ट्रवाद में क्या अंतर दिखता है। के बाद प्रश्न 14 है, भारत में जनसंख्या घनत्व में इतनी अधिक विविधता क्यों पाई जाती है। भारतीय राजनीति में 1967 के बाद की तीन प्रमुख घटनाओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध के कारण लिखना है।
सरकारी बजट से क्या आशय है, इसमें किन किन बातों का विवरण होता है? कमेटी ऑफ 100 द्वारा किया गया धरना प्रदर्शन और अभियान किस हद तक सफल रहा, आपस में चर्चा कीजिए। प्रश्न 17 है, हमें संविधान की जरूरत क्यों है? कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर होता है, इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक? प्रश्न 18 है, मतदान किसे कहते हैं? मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। नियमगिरी सत्याग्रह की जीत किसके निर्णय से हुई? प्रश्न 10 है, शांति आंदोलन के उद्देश्य लिखिए। प्रश्न 11 है, प्रतिदिन के कचरे का दोबारा उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं? इसमें मैंने दो सेट को मिक्स करके बनाया है दोस्तों, है ना, इसलिए क्वेश्चन नंबर थोड़ा सा अलग अलग आ रहा होगा, 8 कभी 10 कभी 12 ऐसा, लेकिन हमको क्या है, अपने को इम्पोर्टेंट प्रश्न से मतलब है, इम्पोर्टेंट प्रश्न जो भी मिल जाए उससे हम पढ़ाई कर सकते हैं, है ना, सीरियल चाहे जैसा भी हो। आर्थिक विकास से आप क्या अभिप्राय है, है ना, इसको भी नोट कर लीजिए। ईस्वी में प्रारंभ हुए युद्ध को विश्व युद्ध क्यों कहा जाता है, कारण बताइए। तो इस प्रकार बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मैंने दे दिए दोस्तों, बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कीजिएगा। इसके पहले मैंने एक और सामाजिक विज्ञान का सेट मॉडल लाया था 1 महीने पहले, है ना, ये दोनों को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका जो है बेस्ट नंबर आएंगे। उसका लिंक यहाँ पर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में है, देखिए उसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। इसमें से 40 से 50 नंबर तक के क्वेश्चन जरूर आएंगे दोस्तों। यदि आपके पास समय कम है तो इसी से पढ़ाई कीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए।